वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम प्रीवियस ईयर 10 ईयर शिवदास में से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और आपके सामने स्क्रीन पर 2021 का क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज की क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी। क्या कह रहा है? आ कंप्यूट वाइल द कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोफिशेंट बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ऑब्टेन द रिजल्ट एन इक्वल्स टू 30 एंड सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 120। मैं लिख देता हूं यहां पर, एन इक्वल्स टू, आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि एन इक्वल्स टू 30 एंड एन इक्वल्स टू 30 सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 120, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 120, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 600, सिग्मा एक्स जो डेटा है उसका स्क्वायर का समीशन हमारा 600 है, और सिग्मा वाई 90, सिग्मा वाई 90, और जो वाई डेटा है उसका स्क्वायर का सम 250 एंड एक्स वाई 356 एंड समीशन एक्स वाई 256। और आगे क्या कह रहे हैं उसको पढ़ते हैं। इट वॉज द हायर द लेटर डिस्कवर्ड दैट इज द कॉपीड टू पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 एंड 10, 12 एंड 7 वाइल द करेक्ट वैल्यू वर। तो दो ऑब्जर्वेशन है ना, गलती से कर लिया हमने, क्या 8, 10 और 12 और 17 जो हमने रॉन्ग ले लिया, क्या है दो पेयर 8, 10, 12, 7 8, 10, 12 और 7, जबकि करेक्ट वैल्यू क्या थी इनकी, करेक्ट वैल्यू इनकी थी 8, 12, 10, 7। ये बच्चे फाइंड द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ऐसे डेटा आपको डायरेक्ट गिवन होंगे और उसमें जो कुछ मिस्टेक है वो आपको बता देगा ये गलती हुई है। तो जब मैंने ऑब्जर्वेशन को नोट किया, जब मैंने ऑब्जर्वेशन लिया, लिखा, तो लिखते समय में इससे कुछ गलती हुई, 8, 10 का एक पेयर था, एक 12 और 7 का पेयर था, उसको गलती से मैंने ये ले लिया। तो अब आप इस बात को समझ आइए कि आपका फिर समीशन एक्स भी आपका गलत हो गया होगा। जब एक्स डेटा ही गलत ले लिया आपने तो उसका स्क्वायर भी गलत हो गया, तो सारा डेटा आपका गलत है ये, इसका मतलब ये है। तो पहला काम क्या है आपको कि आप अपने डेटा को करेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करेंगे। अब डेटा को आप किस तरीके से करेक्ट करोगे उसको जरा समझिए। ये जो आपका डेटा है पहला वाला आपका, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई को, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई को, और ये एक्स को और ये वाई को, ठीक है बच्चे। सबसे पहले मैं करेक्ट समीशन एक्स फाइंड कर रहा हूँ। मेरे पास समीशन एक्स कितना है 120, तो इस करेक्ट को करने के लिए इसमें से रॉन्ग वाले मुझे निकालना पड़ेगा एक्स को। तो एक रॉन्ग मेरे पास में एक्स क्या आ गया, रॉन्ग जो है 8, और एक्स एक रॉन्ग क्या है मेरे पास में 12 जो रॉन्ग वाला है, और इसमें फिर करेक्ट वाला डाल देते हैं। करेक्ट क्या है मेरे पास में एक्स 8 एंड करेक्ट क्या है मेरे पास में 10, तो समीशन एक्स, तो ये मेरे पास में बच्चे रिजल्ट आएगा 2, 118। ये समीशन एक्स करेक्ट हो गया, क्लियर है बच्चे। आगे बढ़े, ठीक है मैं करेक्ट
अब समीशन एक्स आ गया तो करेक्ट मीन भी निकाल लेते हैं हम, मीन ऑफ एक्स, तो ये क्या निकलेगा हमारा मीन ऑफ एक्स का, ये मेरे पास में समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सही रहता है 118 और अपॉन मैन क्या है 30। ठीक है बच्चे, तो सॉल्व करेंगे, थ्री पॉइंट 93। इसी तरीके से हम निकालेंगे यहां पर करेक्ट समीशन वाई, तो पहले हमारा रॉन्ग कितना है समीशन वाई, रॉन्ग हमारा समीशन वाई है 90, और उसके बाद फिर हम इसमें से रॉन्ग नंबर इसमें से हम माइनस कर देते हैं वाई का, तो वाई का रॉन्ग नंबर कौन सा है, एक 10 है रॉन्ग, एक 7 है, तो -10 एंड -7 और करेक्ट वाला आप डाल देते हैं, तो 12 एंड 7 प्लस 12 एंड प्लस 7, तो रॉन्ग वाला क्या था 10 और 7 हटा दिया, करेक्ट वाला 12 और 7 ऐड कर दिया, तो 7-7 तो 0 हो गया, प्लस 2 हो जाएगा 92। एंड आपके पास में मीन ऑफ वाई समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन, एंड समीशन वाई करेक्ट वाला 92 है एंड 30, तो 92 डिवाइडेड बाय 30 3.06। क्लियर है बच्चे, आगे देखते हैं आप। अब आप समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, करेक्ट समीशन ऑफ करेक्ट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम करते हैं बच्चे तो हमारे पास में क्या आता है, पहले हमारे पास में रॉन्ग वाला क्या है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 600 है, क्लियर है, इसमें से हम जो है रॉन्ग नंबर इसमें से हम एलिमिनेट कर देते हैं, एक्स हमारे पास में क्या है 8 का स्क्वायर और रॉन्ग एक्स क्या कर हमने 12 का स्क्वायर, एंड प्लस कर देते हैं करेक्ट वाला एक्स हम डाल देते हैं इसकी जगह 8 का स्क्वायर एंड प्लस 10 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे ये तो वैसे भी आपका 0 हो जाएगा, देन 600 यहाँ नीचे करते हैं 600 माइनस 144 एंड प्लस 100, तो आपको पता है कि 600 में से 44 आपको माइनस करना है, 556, ये आपके पास में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से आप क्या लेंगे, अब करेक्ट वाई स्क्वायर, करेक्ट समीशन वाई स्क्वायर, और ये क्या आएगा आपका, पहले वाई स्क्वायर आपका रॉन्ग का क्या है 250, इसमें से रॉन्ग माइनस कर दो, वाई आपका एक तो 10 का स्क्वायर और एक वाई आपका 7 का स्क्वायर, एंड करेक्ट ऐड कर दो 12 का स्क्वायर एंड प्लस 7 का स्क्वायर, क्लियर है बच्चे, तो सॉल्व करेंगे 250, ये तो आपका 0 हो गया, तो माइनस 100 होगा एंड प्लस 144 होगा, तो इसका रिजल्ट होगा आपका 250 प्लस 44 294, क्लियर है बच्चे, ये समीशन वाई स्क्वायर हो गया। अब करेक्ट समीशन ऑफ एक्स वाई लेंगे हम, करेक्ट समीशन एक्स वाई, ये समझ रहे हैं आप बच्चे क्या करना है आपको, समझ पा रहे हो आप बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिलेबस पूरी तरीके से है आपके पास पे, बट सभी क्योंकि भाई बिजनेस चैट्स है आपको पता है, जहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया पूरा क्वेश्चन छूट जाएगा, तो पाँचों के पाँचों सवाल पूरा का पूरा कोर्स आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी अगर आपको एक दो क्वेश्चन अगर बाई चांस आपका स्किप हो जाता है, ऐसा होगा नहीं खैर, बट बाई चांस हो जाता है, तब भी आप तीन क्वेश्चन या साढ़े तीन क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओ, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप तीन क्वेश्चन के दम पे ही पेपर में जाएंगे कुछ 3 मिनट प्रिपेयर कर करके, उसमें से एक दो टफ आ गया तो एक क्वेश्चन के दम पे आप नहीं हो सकते हैं पास, क्लियर है बच्चे, तो इस बात का आप खासकर ध्यान रखें।
तो सबसे पहले रॉन्ग समीशन ऑफ एक्स वाई क्या, 256। तो पहले एक्स वाई रॉन्ग वाले आप माइनस करो। रॉन्ग वाले एक्स वाई कौन से हमारे पास में, रॉन्ग वाले एक्स वाई ये रेड पेन से, ये रॉन्ग एक्स है, ये रॉन्ग वाई है, तो रॉन्ग एक्स वाई माइनस करोगे। क्लियर है बच्चे? एक सेकेंड। ये रॉन्ग एक्स वाई, ये माइनस करोगे ना, एक्स वाई है, एक्स और ये वाई इसके सामने वाला, इसको करोगे तो 80 माइनस करोगे इसमें से, ये एक्स और ये वाई है रॉन्ग वाला, ये भी माइनस करोगे और करेक्ट वाले एक्स वाई रिप्लेस कर दो, करेक्ट वाले एक्स वाई प्लस 96 एंड करेक्ट वाले एक्स वाई है, इसको आप कर दो एक्स इंटू वाई करोगे 70 प्लस 70। सॉल्व करेंगे, येलो कलर से कर रहे थे इसको हम, ठीक है। करेक्ट समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू 256 एंड सॉल्व करेंगे 96 प्लस 70 माइनस 84 एंड माइनस 80। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? हमारे पास में 2 आया एंड 258। अब आपको कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, तो कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन आप कैसे, फॉर्मूला क्या आपका, समीशन एक्स वाई बाय एन माइनस समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन इंटू समीशन वाई स्क्वायर बाय एन अपॉन अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट समीशन वाई स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन वाई बाय एन का होल स्क्वायर। ये ना बच्चे फार्मूला हमारा। तो आर इक्वल्स टू रिप्लेस करते हैं समीशन एक्स एक्स एन एक्स वाई है ना, एक्स वाई है। क्लियर है बच्चे? समीशन एक्स वाई क्या है हमारे पास में, समीशन एक्स वाई करेक्ट वाला हमारे पास में 258। थोड़ा पतला कर लेते हैं ये, 258 माइनस समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन। तो समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन क्या है हमारे पास में, एक सेकेंड, समीशन एक्स वाई 356 है, चेक कर लेते हैं बच्चे। 356 है, एक सेकेंड। हाँ भाई अभी गलती हो जाती है ना, हम गलती को सही करते करते खुद गलत करने लग गए। देखो 356 है एन प्लस 2 358 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला समीशन एक्स बाय एन इंटू समीशन वाई बाय एन, तो 358 356 अपॉन एन 30 माइनस समीशन एक्स बाय एन, मतलब मीन है आपका, मीन ऑफ एक्स समीशन एक्स वाई एन 3.93 इंटू 3.06 अपॉन अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर 556 अपॉन एन माइनस समीशन एक्स बाय एन, समीशन एक्स बाय एन हमारे पास में 3.93 का स्क्वायर
एंड अंडर रूट समीशन वाई स्क्वायर 294 बाय एन माइनस समीशन वाई बाय एन 3.06 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चे अब 358 एंड डिवाइडेड बाय 30 11.93 माइनस 3.93 इंटू 3.06 12.02 अपॉन अंडर रूट 556 डिवाइडेड बाय 30 18.53 एंड माइनस 3.93 का स्क्वायर 15.44 और सॉल्व करेंगे यहाँ पे 294 डिवाइडेड बाय 30। सर ये सारे पी वाई क्यू के क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड होते हैं या नहीं? हाँ होते हैं भाई, क्यों नहीं होते हैं? आप देखोगे आपका फोल्डर है, आप जाओ फोल्डर पे देखो ना प्रीवियस ईयर 10 ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो उसमें अपलोड हो रहे हैं। ये लेटेस्ट क्लास में कंटेंट जा रहा है और एक 10 ईयर के नाम से फोल्डर होगा आपका ऊपर ही, उसमें सारे क्लासेस जा रहे हैं अब तक जितने भी लिए। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सारे करवा दिए 5 साल के क्वेश्चन, अभी कोरिलेशन रिग्रेशन का चल रहा है, ये चलता रहेगा अभी। उसके बाद फिर मैं आपका प्रोबेबिलिटी का चला दूंगा क्योंकि उसमें आपके डाउट्स आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी का मैं प्रीवियस ईयर चला दूंगा। और प्रोबेबिलिटी के बाद फिर उसके बाद आपका इंडेक्स नंबर तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, पर फिर भी कर लेंगे कुछ उसके, उसका फिर मैं टाइम सीरीज का करवा दूंगा आपको, तो ये चलता रहेगा, ये पूरे यूनिट का करवा दूंगा पेपर में। आप ये लास्ट क्लासेस को देखोगे आपका पूरा पेपर मैच हो जाएगा। 294 डिवाइडेड बाय 30 9.8 माइनस 3.06 का स्क्वायर 9.36। सॉल्व करते हैं बच्चे इसको, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो 11.93 माइनस 12.02, तो क्या है आपके पास में माइनस 0.09 एंड अपॉन में 18.53 माइनस 15.44, इसका रूट क्या है आपका 1.75 इंटू 9.8 9.8 माइनस 9.3 इसका रूट क्या है आपका 0.70 एंड सॉल्व करा माइनस 0.09 अपॉन 1.75 इंटू 0.70 क्या है आपका 1.225 एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.09 डिवाइडेड बाय 1.225 तो क्या है आपके पास में माइनस 0.07। क्लियर है बच्चे? वेट कर लो अभी 6:00 क्लास है ना, बस वेट कर लो, खत्म करता हूँ। हाँ जी बच्चे डन। क्लियर है? आगे बढ़े बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि अभी करवाया लास्ट क्लासेस में, मैंने स्टैंडर्ड एरर भी करवा दिया आपको। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा रिपीट हो रहा है, ये पहले भी हमने करा है आपसे।
पहला पार्ट तो थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। सेकंड, फॉर द 10 ऑब्जर्वेशन ऑफ प्राइस पी एंड एस, 10 ऑब्जर्वेशन है एंड एन इक्वल्स टू क्या है 10, एक पी और एस है सप्लाई, तो आपको पता है कि प्राइस में चेंज से सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है, तो दोनों आपस में कोरिलेटेड है। अब इनके रिलेशंस का हम एक इक्वेशन निकालेंगे जिसको हम रिग्रेशन कहते हैं। इक्वेशन इसलिए कि हमें पहले ये रिलेटेड है तो हमें मालूम पड़ गया रिलेशन है, तो एक में चेंज आने से दूसरा किस तरीके से अफेक्ट होगा दूसरे में, उसके लिए हमें इनका इक्वेशन फाइंड करना है जिसको हम रिग्रेशन कहते हैं। आप चैप्टर में पढ़ोगे तो डिटेल में पता लगेगा आपको। तो वही आपसे कह रहा है कि 10 ऑब्जर्वेशन है, इसमें समीशन ऑफ पी दिया हुआ है, समीशन ऑफ एस दिया हुआ है, पी स्क्वायर दिया हुआ है आपको, समीशन ऑफ एस स्क्वायर दिया हुआ है, एंड आपके पास समीशन पी इंटू एस, समीशन पी एस है आपके पास में, एंड एन इक्वल्स टू 10 गिवन है। कंप्यूट द टू रिग्रेशन कॉफिशेंट, तो कॉफिशेंट आपको निकालना है, तो कॉफिशेंट आप किस किस निकालोगे, दो, तो कॉफिशेंट को यहां पर रिग्रेशन कॉफिशेंट, आपको रिग्रेशन कॉफिशेंट निकालना है। तो सबसे पहले रिग्रेशन कॉफिशेंट आप एस ऑन पी निकाल लो, जिसको आप क्या बोलेंगे बी एस पी, जो समीशन ऑफ एस पी अपॉन एस ऑन पी है ना, तो पी है, तो समीशन पी स्क्वायर, तो समीशन एस पी आपके पास में क्या है, एस पी आपके पास में 3, 4, 6, 7 है, और पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर आपके पास में क्या है बच्चे 2, 2, 8 एंड आपके पास में 3, 4 आपको बताया हुआ है ना इसको निकालने का, दो का अगर हम निकालते हैं तो दोनों सीरीज का एक का सम दूसरे का सम मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए समी दोनों सीरीज का, दो सीरीज आपस में कोरिलेटेड होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट का सम और डिवाइडेड बाय एस ऑन पी चाहिए। क्लियर है कि एस ऑन पी मतलब कि पी पर डिपेंडेड है, कौन एस, तो एस ऑन पी चाहिए, तो हमें पी के स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये कॉफिशेंट ऑफ रिग्रेशन एस ऑन पी आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे हम, 3, 4, 6, 7 डिवाइडेड बाय 2, 2, 8 1.51। इसी तरीके से रिग्रेशन कॉफिशेंट निकालोगे आप, रिग्रेशन कॉफिशेंट पी ऑन एस, प्राइस सप्लाई पे भी डिपेंड करती है, वो आपके पास में सिमिलर आएगा बी एस पी, तो समीशन ऑफ दोनों सीरीज का प्रोडक्ट का सम तो रहेगा रहेगा, एंड समीशन, अच्छा पी ऑन एस है ना, बी पी एस आएगा, समीशन एस पी अपॉन समीशन एस स्क्वायर, समीशन एस पी तो आपका सिमिलर रहेगा, समीशन आपका पी एस वही है 3, 4, 6, 7 अब डिवाइडेड बाय समीशन एस स्क्वायर आपके पास में 5506 सॉल्व करेंगे 3, 4, 6, 7 एंड डिवाइडेड बाय 5506 ये आपका आया 0.62। क्लियर है। आप रिग्रेशन पहला तो आपसे ये पूछ रहा था, कंप्यूट द टू रिग्रेशन कॉफिशेंट, ये आपका आंसर आ गया। अब पूछ रहा ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एस ऑन पी, तो आपसे आपको फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन एस ऑन पी, तो कैसे आएगा आपका एस माइनस एस बार बी एस ऑन पी, बी एस पी, क्लियर है बच्चे, एंड पी माइनस पी बार, पी का मीन सॉल्व करेंगे एस, एस तो फिक्स है, माइनस एस बार, एस मतलब एस सीरीज का सम, तो आपको सबसे पहले एस बार निकालना है, तो समीशन ऑफ एस अपॉन में एन, एंड समीशन ऑफ एस गिवन आपका 220 एंड अपॉन में एन आपके पास में है ऑलरेडी, एन आपके पास में 10, 22 देन 22 एंड बी एस पी, बी एस पी आपने निकाल रखा है 1.51 एंड पी माइनस पी बार,
पी बार मतलब मीन ऑफ पी सीरीज समीशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय एन एंड समीशन ऑफ पी इक्वल्स टू गिवन होगा आपको समीशन ऑफ पी 130 डिवाइडेड बाय 10 13, तो ये आपका 13 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे आप एस माइनस 22 इक्वल्स टू 1.51 पी माइनस 1.51 इंटू 13 19.63। क्लियर है बच्चे? और यहां पर आप एस ऑन पी निकाल रहे हो, ऑन पी तो एस इक्वल्स टू 1.51 पी माइनस 19.63 एंड प्लस 22, एस इक्वल्स टू 1.51 पी अब 22 माइनस 19.63 टू माइनस प्लस 2.37। ये बोल क्या रहा है आपसे, एस ऑन पी एस्टिमेटेड द सप्लाई व्हेन द प्राइस इज 16। प्राइस क्या हो आपका 16 हो तो सप्लाई बताना है आपको, 1.51 प्राइस क्या आपका 16 है, 2.37 सॉल्व करेंगे आप 1.51 इंटू 16 24.16 एंड प्लस 2.37 इक्वल्स टू 24.16 प्लस 2.37 26.53। समझ में आया बच्चे आपको? 26.53 क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आपको बताना क्या है, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर आपको निकालना है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है? अब स्टैंडर्ड एरर किसका निकालना है? अब मैं यहां निकाल रहा हूं स्टैंडर्ड एरर एस ऑन पी निकालता हूं मैं। क्लियर है बच्चे? तो स्टैंडर्ड एविएशन पहले देख ले, स्टैंडर्ड एरर किसका पूछा हुआ है? देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन एस ऑन पी निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर एस ऑन पी, तो एस का निकालना है ऑन पी, जो पी पे डिपेंड करता है, तो बेसिकली निकालना है किसका में, एस का, एस ऑन पी, पी पे तो डिपेंड कर रहा है ये, तो इसका हमारे पास रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वन, यही फॉर्मूला है इसका, वन माइनस आर स्क्वायर, वन माइनस आर स्क्वायर होगा बच्चे, वन माइनस आर स्क्वायर ये रहेगा स्टैंडर्ड एरर का, क्योंकि एस ऑन पी है तो एस का यहां रखेंगे, अगर पी ऑन एस होता तो मैं यहां पे पी रखता, अब आर क्या है एस क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस निकालोगे आप अंडर रूट समीशन एस स्क्वायर अपॉन में एन, स्टैंडर्ड डेविएशन एस इक्वल्स टू समीशन ऑफ एस स्क्वायर क्या है हमारे पास में 5506 डिवाइडेड बाय एन, एन क्या हमारे पास है बच्चे 10, सॉल्व करेंगे इसको 5506 डिवाइडेड बाय 10 एंड इसका रूट 23.46। क्लियर है बच्चे? अब आपको आर भी निकालना पड़ेगा, आर क्या होता है कॉफिशेंट ऑफ रिग्रेशन, तो बी एस पी मल्टीप्लाई बाय बी पी एस, ये होता है ना बच्चे, एंड रूट आर इक्वल्स टू, अब आपके पास पे दोनों निकालता आपने 1.5
इंटू 0.62। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो सॉल्व करते हैं इसको, 1.5 इंटू 0.6 0.9 और उसका रूट 0.9 का रूट आर इक्वल्स टू 0.94, ये आपका आर आ गया। अब बच्चे आपके पास में आर भी, आपके पास में एस भी है, अब बस आपने क्या करना है इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देना है। ये कर लोगे, मेरे पास स्पेस नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस ये रहा आपका 1 आपके पास में माइनस आर स्क्वायर, तो ये आपके पास में आर की वैल्यू आ गई है, इसको स्क्वायर कर देना 1 में से माइनस करके रूट करके सॉल्व कर देना। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लासेस में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब मैं 1 से 2 क्लासेस और लगाऊंगा, इनमें कोरिलेशन रिग्रेशन से भी हम बाहर निकल जाएंगे जो कि बहुत लेंथी 2 यूनिट थे। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पे डिस्कशन करेंगे आराम आराम से, उसके क्वेश्चन जैसे आते हैं उसी पैटर्न पे पढ़ोगे, उनमें से एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा आपको। तो पैनिक होने की कोई नीड नहीं है आपको।